डॉक्टर साहब, जो ये कोरोना की पॉजिटिविटी रेशो हमारे सामने है, 23.2% 23% और ट्यूसडे 28% लाहौर शहर की। तो लाहौर शहर की अगर मैं आबादी देखूं तो मुझे तो लगता है कि ये कोई आबादी का बड़ा हिस्सा, बेशतर हिस्सा, वो इससे अब मुतासर हुए बगैर बच ही नहीं पाएगा, बेशतर हिस्सा। नहीं, अगर आप इस वक्त भी ये तो करते हैं 40,000 या 50,000, मुझे सुन रहे हैं आप? जी जी आप लाइव हैं सर, कंटिन्यू करिए। अच्छा, ये तो करते हैं केसेस, 40,000 केसेस कर लिए तो उसमें से इनके निकल आते हैं। अगर ये पूरी सारे मास्क का करें, लाहौर पूरे का, तो इस वक्त कम से कम 40-50 लाख केसेस जो हैं वो मौजूद हैं लाहौर शहर के अंदर। इस वक्त को 50 लाख केसेस मौजूद हैं जी, बिल्कुल है। और हमारे हॉस्पिटल चौक हो चुके हैं, और जो वेंटिलेटर्स की एक्सेस जो है वो लोगों को नहीं है, और जो बेड्स हैं वो भी फिल हो चुके हैं। दूसरा ये कि अब इस वेव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं केसेस। मैं चूंकि पीडियाट्रिशियन भी हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बच्चे सारे, हालांकि इस सीज़न में निमोनिया के बच्चे हम नहीं देखते थे, इस सीज़न में हम डायरिया और इस तरह की चीज़ें देखते थे, लेकिन निमोनिया के केसेस बहुत सारे देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, और बच्चे बहुत सारे। डॉक्टर साहब, ये तो शीरखा और बच्चे जो है उनमें भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक दिन का, दो दिन का बच्चा है उसमें भी आ रहे हैं ये, तो ये एक दिन बहुत दो दिन के ज्यादा। बच्चों में भी आ रहे हैं? जी जी, एक दिन दो दिन के बच्चे में भी आ रहे हैं, 3 महीने के बच्चे में भी आ रहे हैं, 6 साल के बच्चे में भी आ रहे हैं, 6 महीने के बच्चे में भी आ रही है। और सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है बच्चों के लिए कोई भी। इस वक्त जो भी वैक्सीन है वो सारी एडल्ट के लिए है। एक चीज बता दें साहबजादा साहब, एक आपसे सवाल पूछ लूं, 18 साल से छोटे के लिए तो अभी तक मना है, 18 से ऊपर लगाने की इजाज़त है। हमारे यहाँ वैक्सीन क्योंकि कम है इसलिए हमने एल्डरली पॉपुलेशन, दुनिया सारी नहीं ऐसे शुरू किया, एल्डरली पॉपुलेशन को लगाई, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, ये एक खसूसी लाहौर से एक फैमिली ने सवाल लिख के भेजा हुआ कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है कोई 28 साल का, 25 का या 23 का है, तो क्या उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, जिसको ये समझ ही नहीं है कि कोरोना से बचना कैसे है, मास्क पहनना है, वो हाथ मुंह में डालना है या नहीं डालना, तो 22-23 साल या 21 साल का है, तो क्या उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। देखें, जो बड़े हैं, जिनको शुगर है, जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उनको करना चाहिए। जो एस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको दमे की तकलीफ है, उनको करना चाहिए। जो पुराने COPD के पेशेंट हैं, जिनको पुराना रेशा खांसी है, उनको करना चाहिए। जो स्पेशल बच्चे हैं उनको करना चाहिए। इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इनको पहले लगानी चाहिए, क्योंकि इनमें अगर ये खसूसी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जो क्रॉनिक डिजीजेज के हैं बच्चे, अब बच्चों में भी डायबिटीज है ना, बच्चों में भी डायबिटीज होती है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बता दें, क्योंकि जितना ये इस वक्त इसकी वो बढ़ चुकी है फैलाव इसका कोरोना का, तो लाहौर शहर के लोगों को क्या करना चाहिए? ये बड़ा हिस्सा पहले इससे मुतासर हो चुका है, बाकियों को भी लग जाएगा, क्या करें? ये लॉकडाउन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। जिस इलाके में भी 10% से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, 8% से ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और खसूसी तौर पर गवर्नमेंट को जो 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं सबके लिए वैक्सीन का, इनके पास 1 साल पड़ा हुआ था, सबके लिए इनको चाहिए था कि वैक्सीन का सारा अरेंजमेंट कर दे। अब देखिए, बड़े सारे मुल्कों में लोगों ने वैक्सीन का बंदोबस्त किया हुआ है और वहां पे उन्होंने लगाई भी हुई है, हमारे पास तो अभी तक 50 लाख वैक्सीन भी नहीं आई।